फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। एक पल्मोनरी है और एक एडिमा है। तो पल्मोनरी का मतलब आपको पता ही है, लंग्स होता है, और एडिमा का मतलब होता है कि कहीं पे फ्लूइड बिल्डअप हो जाना, एबनॉर्मल फ्लूइड बिल्डअप हो जाना, तो उसको बोलते हैं एडिमा। और अगर ऐसा फ्लूइड लंग्स में बिल्डअप हुआ हो, लंग्स के किसी पार्ट में बिल्डअप हुआ हो, तो आप बोलेंगे पल्मोनरी एडिमा। आप फिगर देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरह एल्वियोलाई में ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये फ्लूइड है, ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई का लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन एक्सचेंज करना। पर अगर यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा तो लंग्स अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम आज पल्मोनरी एडिमा को अच्छी तरह से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टीशियल स्पेस और एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई में या फिर इंटरस्टीशियल स्पेस में लंग्स के फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। इट इज़ एसोसिएटेड विथ हार्ट फेल्योर। ये हार्ट फेल्योर से एसोसिएटेड है, मतलब ये इसकी स्टार्टिंग होती है हार्ट फेल्योर से। हमेशा जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल होता है वहाँ से ये शुरू होता है, वहाँ पे फेल्योर होता है, कंजेशन होता है, जिसके बाद प्रेशर बढ़ता है हार्ट में, फिर लंग्स में प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप फिगर देख ही रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द एयर सैक, किस तरह से एयर सैक्स में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो फिगर देख के आप समझ गए होंगे। हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो इसका पहला स्टार्टिंग क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। पहले आपका जो ये येलो कलर से कलर्ड आप देख रहे होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होता है, जिसके वजह से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है। लेफ्ट एट्रियम पे क्योंकि ये कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर फेल्योर होगा, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वेंट्रिकल्स में, उसके बाद एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा। एट्रियम में प्रेशर बढ़ने की वजह से वेनस प्रेशर इन पल्मोनरी, जो आर्टरी या वेन जो भी लंग्स को लंग से कनेक्टेड होगी उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर का मतलब वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा। तो फ्लूइड अगर वहाँ पे इकट्ठा होगा, वहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो फ्लूइड जो होगा वो सेल से बाहर आएगा, वेसल से बाहर आएगा, सेल्स में जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा। तो अगला क्या है? इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा, वो फ्लूइड जो इकट्ठा है जो कि वेसल्स में होना चाहिए नॉर्मली, वो वेसल से बाहर सेल्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, वेसल्स की जो सेल्स है उसमें जाएगा, जिससे वहाँ पे स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा। आप ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ये फिगर देख सकते हैं कि इंट्रावेस्कुलर है और एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। तो इंटरस्टीशियल स्पेस जो कि लंग्स का स्पेस होता है, ये है आपका वेसल्स, ये आप वेसल्स देख सकते हैं, ये है आपका, ये वेसल्स है आपका इंट्रावेस्कुलर। अब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड जो है वेसल से बाहर की तरफ आएगा, तो वहाँ पे बाहर की तरफ आएगा तो इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। तो प्रेशर फोर्सेस आउट ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज इनटू द स्पेसेस एंड एल्वियोलाई। जो प्रेशर है वो पल्मोनरी कैपिलरीज से स्पेस में आएगा, एल्वियोलाई में आएगा, और फिर पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा। तो वो था आपका पल्मोनरी एडिमा का पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि रेस्टलेस एंड एंग्जियस, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी तो कम होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा,
तो रेस्टलेसनेस आपको दिखेगी, सांस फूलेगा, एंग्जियस होगी, घबराहट होगी ड्यू टू डिक्रीज सेरिब्रल ऑक्सीजन। सेरिब्रम में आपके ब्रेन में प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको रेस्टलेस एंड एंग्जियस फील होगा। ब्रीथलेसनेस, सांस फूलेगी, सफोकेशन फील होगा, टैकिपनिया एंड विथ नॉइजी ब्रीथिंग। टैकिपनिया क्या होता है कि फास्ट ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाएगी विथ नॉइजी ब्रीदिंग, और आपको आवाज़ जैसे सांस में आपका सांस लेते टाइम खड़ड़ खड़ड़ की आवाज़ आएगी विथ नॉइजी ब्रीदिंग, क्योंकि वो फ्लूइड आपका आवाज़ करेगा। पेल टू साइनोटिक स्किन कलर, आपका जो स्किन कलर है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका स्किन जो है वो नीला पड़ने लगेगा। हैंड मे बी कूल, हाथ ठंडे हो सकते हैं, मॉइस्ट हो सकते हैं मॉइस्ट एडिमा की वजह से। फोमी स्पूटम, जो आपका स्पूटम होगा वो झाग की तरह, ब्लड सिक्रीशन भी उसमें हो सकता है, ब्लड टिंग्ड सिक्रीशन इन स्पूटम। ये है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बाकी आपका पेन, लंग्स में पेन हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ये सब तो होगा ही। भूख नहीं लगेगी, बुखार होगा, फीवर होगा, पेन होगा, नौजिया और वॉमिटिंग भी देखने को आपको मिलेगा। फिर उसकी असेसमेंट, ये जो इसका असेसमेंट कैसे करें, तो पेशेंट एयरवे एंड ब्रीदिंग, इसका आप पेशेंट का आपका एयरवे और ब्रीदिंग पैटर्न जानना है, आप स्टेथोस्कोप से उसको असेस कर सकते हैं। ईसीजी मॉनिटरिंग, आप ईसीजी मॉनिटर करेंगे तो आपको क्योंकि वेंट्रिकुलर फेल्योर भी है, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होगा तो ईसीजी में गड़बड़ी आएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होगा तो पल्मोनरी एडिमा होने का भी चांस तभी होगा। तो आपको ईसीजी मॉनिटरिंग में लार्ज एस वेव इन लीड वन, ये जो लीड वन है ना उसमें जो एस वेव है PQR QRS, ये जो एस वेव होता है ये लार्ज होगा, क्यू वेव जो होता है लार्ज, एस वेव क्यू वेव इन थर्ड, लार्ज एस वेव इन लीड फर्स्ट एंड क्यू वेव इन लीड थर्ड में, ये लीड थर्ड है आपका देख सकते हैं, इसमें क्यू वेव जो है वो लार्ज होगा। इन्वर्टेड टी वेव इन लीड थ्री, ये देखिए आप, ये इन्वर्टेड है, ये जो थर्ड लीड है ये इसमें देखिए ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो आपको इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा। और फिर लेबोरेटरी टेस्ट, जिससे एबीजी में आपको पता चलेगा बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और BUN टेस्ट होगा, क्रिएटिनिन टेस्ट होगा, और लेफ्ट साइडेड चेस्ट एक्सरे करवाने पे पता चलेगा कि आपके लंग्स में चेस्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, रिड्यूस वॉल्यूम ओवरलोड इम्प्रूविंग वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड इंक्रीजिंग ऑक्सीजनेशन। तो पहले आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ओवरलोड को कम करना है, मतलब ये आपका एम है, वेंट्रिकुलर फंक्शन को सही करना है और ऑक्सीजनेशन इंक्रीज करना है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए आप ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, मास्क लगाएंगे, ऑक्सीजन मास्क या NRBM मास्क लगाएंगे, जिससे हाइपोक्सीमिया एंड डिस्निया से रिलीफ मिले। और वॉल्यूम ओवरलोड के लिए आपको मैनिटॉल या फिर लैसिक्स, फ्लूसेमाइड, जो भी डायूरेटिक्स होता है वो आप देंगे। डायूरेटिक्स प्रोमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय किडनीज, किडनी और सोडियम बाहर होगा, आपका फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है फ्लूइड बाहर होगा, एडिमा कम होगा ड्यूरिंग डायूरेटिक्स मेडिसिन। देयर शुड बी मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, डायूरेटिक्स के टाइम पे ब्लड प्रेशर, यूरिन इनटेक एंड आउटपुट, डेली वेट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड क्रिएटिनिन, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना रहता है क्योंकि ये सब घटते रहते हैं। डायूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट डायूरेसिस, ये आपका यूरिन पेशाब करवाने में मदद करता है। फिर आपको वैसोडाइलेटर देना है, वैसोडाइलेटर सच एज IV नाइट्रोग्लिसरीन में इनहेंस सिम्टम्स रिलीफ इन पल्मोनरी एडिमा।
वैसो डायलेटर देंगे आप, जिसमें कि जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसरीन जो कि वेसल्स को डायलेट करता है, और आपके जो आपका एक था हार्ट का भी मैनेजमेंट करना है तो वेसल्स को डायलेट करेगा तो जो प्रेशर है वो कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा वैसो डायलेटर देने से। और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में पोजीशनिंग पेशेंट टू प्रमोट सर्कुलेशन, पेशेंट को ऐसा पोजीशन देना है जिससे सर्कुलेशन प्रॉपरली हो, क्योंकि सर्कुलेशन पैर में भी जाए तो आप पोजीशन दे सकते हैं, ये फाउलर्स पोजीशन है। यहाँ आप नाइट्रो देख रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन रिलैक्सेस वैस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड डायलेट्स बोथ आर्टेरियल एंड वेनस वेसल्स, वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेशन ऑफ वेन्स इज मोर प्रीडोमिनेंट देन डायलेशन ऑफ आर्टरीज, वेन्स का डायलेशन होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेन्स डायलेट होंगी तभी जो ब्लड फ्लो ब्लड वेन्स में जाएगा, क्योंकि अभी आर्टरी में आपका कंजेशन हुआ है तो वेसल्स और डायलेट होंगी तो जो ब्लड है वो वेसल्स में जाएगा और प्रेशर कम होगा, डिक्रीज प्री लोड होगा। और आपको ये पोजीशन देना है नर्सिंग मैनेजमेंट में, फाउलर्स पोजीशन, जिससे सर्कुलेशन पैर की तरफ जाए। फिर प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आपको पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। यूरिन कैथेटराइजेशन फॉर मॉनिटरिंग यूरिन, आप जैसे कितना इनटेक हो रहा है कितना आउटपुट हो रहा है उसके लिए आपको कैथेटराइजेशन करना है पेशेंट को। बेड साइड कमोड टू डिक्रीज, अगर पेशेंट पास में ही सब कुछ कर ले जैसे कि फीकल स्टूल पास, तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये ख़त्म हुआ हम लोग का पल्मोनरी एडिमा।